पूरा मिलकर के ये हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं जिसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सबसे विशेष मांग है हमारी कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, और यह हठधर्मिता दिखाते हुए जिन माननीय सांसदों और विधायकों ने निर्णय लिया इस पेंशन को बंद करने का, वे स्वयं इसी का उपभोग कर रहे हैं निरंतर। तो हमारा कहना यह है कि जब समानता का अधिकार है इस देश में, तो वो पेंशन जिसमें आप 50 खामियां बता रहे हैं और हमें एक नई योजना से जोड़ रहे हैं एनपीएस से, तो या तो आप भी वह एनपीएस लीजिए, अन्यथा आप अपनी स्वयं की वो पेंशन बंद कर दीजिए और हमारी तरह एनपीएस लीजिए। आप खुद तो कुछ और ले रहे हैं और हमें कुछ और अच्छा बता के दे रहे हैं, ये एक न्याय संगत बात नहीं है। और आप लोग तो जनता की सेवा के लिए जुड़े थे, हम लोगों ने तो यह घोषणा करते हुए ही जुड़े थे कि हमें वेतन की अपेक्षा है और हमने अपनी योग्यता के दम पे ये नौकरी प्राप्त की थी। तो 60 साल जो व्यक्ति नौकरी करेगा, 62 साल तक नौकरी करेगा, उसके बाद बुढ़ापे में वो कहाँ जाएगा? जबकि आप तो एक दिन शपथ ले लेते हैं तो आपकी पेंशन बंद जाती है और आजीवन आप उस पेंशन का उपभोग करते हैं। तो ये एक अन्याय है, इसको रोकना चाहिए। यदि नहीं रोकेगी तो सरकार इसे निस्संदेह भुगतेगी। और अगला कदम क्या होगा अगर पेंशन बहाली नहीं होती है तो? अभी हमारा 28 तारीख को पुनः आंदोलन होगा, पुनः आंदोलन होगा और चरणबद्ध तरीके से अभी हमारा आंदोलन कई क्रमों में चलेगा। और आप लोग यदि जानते हो तो पश्चिम बंगाल में ममता जी हैं, तो वहाँ आप देखिए पुरानी पेंशन बहाल है, ऑलरेडी है। और पंजाब में भी विकल्प घोषणा हुई है पुरानी पेंशन की। अब ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये घोषणा शीघ्र ही अतिशीघ्र हो जानी चाहिए।